टाइटल बहुत बढ़िया। अक्षय अक्षय कह रहे हैं क्या कहना चाहेंगे, अक्षय अक्षय ने एक बार और कामयाब रहे सोशल मैसेज देने में। हाँ बहुत अच्छा कामयाब रहे और मुझे बहुत अच्छी एक्टिंग लगी और कई डायलॉग बहुत अच्छे लिखे गए हैं। राधिका आप्टे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राधिका आप्टे बहुत अच्छी एक्टिंग की है, मगर जो सोनम कपूर ने भी अच्छी एक्टिंग की है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, उसके पापा ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये फिल्म देख के, सोशल मैसेज की फिल्म देख के। ओके क्या 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 ऐसा चीज़ थी जो बांधे रखी आपको कि आपको लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है? मुझे एडिटिंग बहुत अच्छी लगी, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी लगी एस सी शर्म की, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। आर बालकी की राइटिंग और डायरेक्टिंग बहुत अच्छी लगी। ओके म्यूज़िक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, संगीत के बारे में? मुझे म्यूज़िक बहुत अच्छे लगे, चारों गाने मेरे को बहुत अच्छे लगे। ओके पाँच मुझे पैडमैन टाइटल ट्रैक। ओके पाँच मुझे कितने स्टार देना चाहिए? पाँच में से चार स्टार। थैंक यू सो मच। रेटिंग मैं नहीं दे सकता। कुछ तो बोलना चाहोगे अक्षय कुमार के, आप फैन लग रहे हो बहुत बड़े। बस थैंक यू सर। आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? मुझे कैरेक्टर काफ़ी तीनों में एक कैरेक्टर अच्छा था, सब अपनी जगह पे बहुत अच्छे थे। बट ये अभी तक हमने वुमेन ओरिएंटेड मूवी सुनी थी, बट ये मूवी हमें मैन ओरिएंटेड का मैसेज देती है। क्या बात है। मुझे हाँ सोनम कपूर उनकी एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी थी, सपोर्टिंग रोल एज इन अच्छे हैं, बट जो मेन अक्षय ने जो चीज़ें देखी है, जो एक्चुअली पैडमैन था उसने कितनी परेशानियां एक्चुअली फेस करी थी, उसको एक्चुअली कितना शर्म आया होगा उस टाइम पे, वो अक्षय ने एक्चुअली एज एन एक्टर बहुत अच्छे से दिखाया है। लास्ट की स्पीच के बारे में क्या कहेंगे, जो 7.5 मिनट्स की जो स्पीच थी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी स्पीच थी। एंड एज अ फीमेल, एज अ वुमन आपने कैसा फील किया अबाउट पैडमैन? बहुत प्राउड, लाइक एक्चुअली ये कोई इतना शर्म की बात नहीं है, जो और लोगों ने जितना अच्छे से उसको वो किया है, जो राधिका आप्टे है, सोनम कपूर है, अक्षय कुमार है, उन्होंने इतना अच्छे से प्रेजेंट किया है कि हमें बहुत अच्छा लगा। कितने स्टार्स आउट ऑफ 5? 5। थैंक यू। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी, बहुत ज़्यादा औसम थी, देख के बहुत ज़्यादा इंजॉय किया मैंने। उसके बाद साथ साथ कुछ सीखने को भी मिला कि मुझे भी ऐसा लगता है कि पहले जिसके बारे में सोचता नहीं था, अभी मैं कहीं जाऊँ गांव जाऊँ जिसे देख रहा हूँ उसको मैं बोल सकता हूँ बिना शर्माए या फिर बिना उनको एक मैसेज, जैसे इतना अच्छा मैसेज मिला कि मैं उनको बता सकता हूँ कि आप इसके बारे में देख सकते हैं, मूवी देखिए आपको सीखने को मिलेगा, या फिर मैं उनको इंस्पायर कर सकता हूँ कि आपको यूज़ करना चाहिए, इससे ये होता है वो होता है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया हूँ और मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी। मूवी में मैसेज तो यही है कि जो जो गांव है वहाँ अभी भी जैसे बताया गया 18% यूज़ होता है पैड और बाकी यूज़ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनको आधे लोगों को तो वो महंगाई कारण नहीं खरीद पा रहे, इसलिए बहुत ही अच्छा ज़्यादा मैसेज अच्छा दिया है, सबको देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए अक्षय कुमार को, तो बिल्कुल मिलना चाहिए। क्या मूवी चूज़ की उन्होंने, बहुत औसम औसम। 5 स्टार। थैंक यू। फिल्म अच्छी है, एकदम टॉप नॉच मूवी बनाई गई है, अक्षय कुमार मतलब ट्विंकल खन्ना उन लोगों का प्रोडक्शन बहुत अच्छा किया गया इस मूवी में। ओके फिल्म क्या मैसेज देने में कामयाब होती है? हाँ एकदम 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 कामयाब होती है। अक्षय की एक्टिंग के बारे में क्या कहेंगे? अक्षय की एक्टिंग बहुत ऊपर की है इस बार, उसने बहुत हाई एक्टिंग की है इस बार, इमोशनली अटैच हो गए थे इस मूवी के साथ, जब मैं देख रहा था तो एकदम ही उनके साथ अटैच हो गए थे। ओके राधिका आप्टे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी मूवी एकदम ही अच्छी, उनकी केमिस्ट्री दोनों की, अक्षय कुमार और राधिका आप्टे की एकदम अच्छी है केमिस्ट्री। बहुत अच्छी मूवी थी, ग्रेट मूवी, अक्षय कुमार जी। रूरल एरियाज में ये सब चीज़ें चेंज करनी चाहिए और ये मूवी के थ्रू वो खुद ही चेंज हो जाएंगे, मतलब रूरल एरियाज में जो है वो देखकर वो खुद ही चेंज हो जाएंगे। और इट शुड बी, करना ही चाहिए, और ये मूवी टैक्स फ्री होना चाहिए। हाँ टैक्स फ्री होना चाहिए और सब मूवीज देखना चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है, ग्रेट मूवी, मूवी देखना चाहिए जरूर। फर्स्ट वाला सॉन्ग जो था वो ग्रेट था, एक लाइन बता सकते हैं? नहीं याद नहीं है। देना चाहेंगे? 5। भाई क्वेश्चन,
मूवी जो थी वो बहुत ही फिनोमिनल थी। अक्षय कुमार एक स्टार की तरह बाहर आया है। लड़कियां बोलती हैं उनको उनकी लाइफ में सुपरमैन, बैटमैन, हल्क जैसे हीरो चाहिए, लेकिन मेरे जैसी लड़की और हर लड़की ये मूवी देख के यही बोलेगी कि हमें अपनी लाइफ में पैडमैन चाहिए, क्योंकि उसने सिर्फ शहर के 12% लोगों को नहीं कवर किया है जिनको पता है ऑलरेडी कि सैनिटरी पैड की क्या औकात होती है, वो 5 दिन जो औरत उस दर्द से गुजरती है तो, और बहुत ही शर्मनाक गांव में हो जाता है, लोग निकलते नहीं हैं अपने घर से, उसने बोला है 60 दिन हो जाते हैं ऐसे। तो उसी तरह अक्षय कुमार ने जो ये इतना ब्यूटीफुली मैसेज लाया है वो बहुत ही मर्क्यूरियल है। एक वाइवेशियस स्टार की तरह वो बाहर आया है, और मैं मीडिया लाइन से हूँ और मीडिया का हर एक व्यक्ति जो है इस मतलब कनेक्ट करना चाहता है कि हाँ ऐसा सोशल टॉपिक भी बाहर आ सकता है। तो अक्षय कुमार एक रियल बैडमैन है सोशल इशू पे। हाँ, मैसेज यही छोड़ रही है कि हर लड़की को, चाहे वो गांव की हो चाहे वो शहर की हो, उसको जीने का जज्बा है और उसको हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे कि वो उसका आखिरी दिन हो। तो वो 5 दिन भी उसे ऐसे जीने चाहिए बिना शर्म के, बिना कुछ के, कि वो बाहर जाए और दुनिया को फेस करे। तो अक्षय कुमार ने यही मैसेज दिया है कि आप पैड यूज़ करिए, मैं पैडमैन हूँ, और सस्ते से सस्ते 2 रुपए में आपको ये पैड मिल सकता है। हाँ, जिनकी लाइफ पर ये बेस्ड है फिल्म, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, जो चीज़ के लिए वो करोड़ों रुपए ले सकते थे उन्होंने वो 90,000 में जो है वो मशीन जो है पूरी तैयार कर दी। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि अक्षय कुमार जो कि रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, उनको बोला है कि आप इससे करोड़ों छाप सकते हैं अगर आप इसका जो है ये स्पॉन्सर करें वो स्पॉन्सर करें, बट उसने बोला नहीं, मेरे को हज़ारों कमाने नहीं है, मेरे को हज़ारों लोगों तक पहुँचना है। तो वो सबसे प्यारा मैसेज है जो इस फिल्म से कन्वे किया गया है। मैं पूरी सहमत हूँ, मेरे लिए आज से सिर्फ एक ही मैन है और वो है पैडमैन। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कर देना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगी कि मतलब स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, इंडिया ने वो इनिशिएटिव ले चुकी है। मैं मेरे कॉलेज में भी वो मशीन है, मशीन जहाँ पे हमें जो है हमें मेडिकल जाने की ज़रूरत नहीं है, हम एक दबाते हैं, हम 10 रुपए रखते हैं और वो पैड बाहर आ जाता है। तो ये सोच बहुत बड़ी होती है।